हेलो एवरी वन वेलकम टू फेबिलेस अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस और आज के लेक्चर में अपन ये हमारा जो यूनिट और डायमेंशन है उसका लेक्चर नंबर सेकेंड रहेगा और तो कल अपन ने यूनिट और डायमेंशन के चार इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो सीखे हैं तो देखो सबसे पहले जो अपन ने चार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे हैं मोस्टली मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो है वो वहीं से फॉर्म होते हैं तो हमको उन पर ज़्यादा फोकस करना है लेकिन अगर मान लो पेपर का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड आता है तो और कॉन्सेप्ट अपन को सीखने की जरूरत है तो आज अपन क्या करेंगे यूनिट यूनिटो डायमेंशन के और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने वाले हैं तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग सूरज मीणा शुभम राखावत मुरारी स्वामी जय हिंद सर नरेंद्र दारा गुड मॉर्निंग सर सभी को गुड मॉर्निंग तो स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट यूनिटो डायमेंशन की क्लास नंबर सेकेंड इसके बाद में जैसे अपनी ये क्लास होती है कल ये जो तो, आज अपना टॉपिक ये खत्म हो जाएगा कल अपन जो है वो इस पर मैराथन क्लास रखेंगे और इसके इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्या करेंगे डिस्कस करेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट टू डायमेंशन की क्लास नंबर सेकेंड तो देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपको ये बताऊं कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर सम स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी अब स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोला गया है क्योंकि देखो ये जो फॉर्मूले अपन पढ़ने वाला है ये जो अपन ने चार चीज़ें ले रखी है ना चार पॉइंट्स आपके पास में ये चार क्वेश्चन के रूप में है क्योंकि अगर मान लो पेपर का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड आता है तो वो क्या करेंगे वो अपने जो फॉर्मूले होते हैं जहां पर अपन कम फोकस करते हैं उन फॉर्मूलों को उठाएंगे और वहां से अपन को क्या पूछेंगे डायमेंशन पूछेंगे तो मेरे जैसे मान लो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो उनका एक रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड यानी ई बाई बी का जो रेशियो होता है ये आता है अपने वेलोसिटी सेलेक्टर नाम से क्लास ट्वेल्थ के अंदर आएगा लेकिन उस वो जो है वो थियोटिकल है उस टाइम पर अपन उस फॉर्मूले पर इतना फोकस नहीं करते तो हम क्या करते हैं इस टाइम पे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकालते हैं और उसके बाद में फिर मैग्नेटिक के निकालते हैं फिर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इतने लंबी प्रोसेस अगर आप करोगे तो इतना टाइम तो हमारे पास है ही नहीं तो हमको ऐसे जो फॉर्मूले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इनको पहले से पता होना चाहिए कि इनकी जो यूनिट और डायमेंशन जो है वो क्या होती है तो सबसे पहले अपने पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो तो देखो ये अपना जो टॉपिक है इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन ये है कि अगर मान लो एक पार्टिकल है या एक चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखा हुआ है तो उस केस में क्या होता है उस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो मान लो आपके पास में वी आया और ये वी जो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो अगर मान लो आपके पास में सो मीटर पर सेकेंड है तो अगर ऐसा पार्टिकल है जिसको मैंने सो मीटर पर स्पीड पर सेकेंड की स्पीड से कहा रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है दोनों एक दूसरे के तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए परपेंडिकुलर होने चाहिए उस केस में क्या होगा उस केस में आपका चार्ज जो है वो क्या रहेगा अनडिफ्लेक्टेड रहेगा यानी डिफ्लेक्ट नहीं होगा तो ये वाली चीज जो है अपन को ध्यान रखनी है तो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा तो हमको ये पता होना चाहिए कि ऐसी वेलोसिटी होगी जहां पर ई बाई बी का रेशियो अपन को पता रखना है तो ई बाई बी रेशियो हमेशा क्या आएगा वेलोसिटी आएगी वेग आएगा तो अब वेलोसिटी की डायमेंशन को पता ही क्या होती है मीटर पर सेकेंड होती है और अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूँ ये तो यूनिट होगी और अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूँ तो डायमेंशन क्या आएगी आपके पास में आएगी एम जीरो एल वन और टी कितना माइनस वन तो ये इसकी क्या हो जाएगी डायमेंशन हो जाएगी तो ये पूछा जा सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ई बाई बी का जो रेशियो होता है इसकी विमा जो है वो क्या होती है ठीक है तो इस पर अपन को खास तौर पे ध्यान रखना है उसके बाद फिर आगे चलते हैं सेकंड रेशियो आपके पास में वन अपन में अंडर रूट म्यू नोड और एप्साइल नोड अब म्यू नोड अपन जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में आएगा उसके बाद में एपसाइलन नोड अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं लेकिन इन दोनों का ये जो प्रोडक्ट होता है अंडर रूट में ये किसके बराबर होता है ये आपके स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा जब ये वन अपॉन म्यू नोड ये जो ओपन ले रहे हैं ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है और स्पीड ऑफ लाइट का मतलब वही वेलोसिटी हो गई तो वेलोसिटी की डायमेंशन आपके पास में एल वन और टी माइनस वन हो गई तो इस चीज़ का अपन को खास तौर पे ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूले है ये अपन को याद होने चाहिए उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो म्यू नोड अपॉन एफसेलन नोड भी पूछा जा सकता है तो म्यू नोड अपोन एफ्सैलन नोड किसके बराबर होता है रेजिस्टेंस के बराबर होता है अब रेजिस्टेंस की मान लो आपको डायमेंशन नहीं पता तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन कैसे निकालोगे तो कल अपन ने कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट पढ़ा था वहां पर अपन ने क्या बोला था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आपको डायमेंशन चाहिए तो उससे रिलेटेड सबसे इजी फॉर्मूला जो आपको आता है वो लगाओ तो क्या लगाओगे हमको ये बताया कि वील्स टू आई आर होता है ओम का नियम सबने पढ़ा है और यहां से रजिस्टेंस की डायमेंशन निकालो तो यहां से कैसे निकलेगी देखो अगर मैं लिखता हूं आर तो रजिस्टेंस की डायमेंशन क्या आएगी वी बाई आई अब बात आती है कि V क्या होता है तो पोटेंशियल हमको बताया कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज यानी W बाई क्यू अब W यानी एनर्जी और एनर्जी की डायमेंशन कल मैंने बताया था डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से तो मैंने ये लिखा अगर मैं लिखूँ तो देखो W के लिखेंगे तो एम वन एल टू टी माइनस टू ये तो हो गई एनर्जी की पर यूनिट चार्ज के अपन लिखते हैं तो ए वन और ये आ गई टी वन ये आ गया आपके पास में डायमेंशन उसके बाद में ये क्या है करंट तो करंट की डायमेंशन क्या होगी आपकी अब यहाँ से आपको क्या करना है डायमेंशन निकाल लेनी है तो डायमेंशन आपके पास में क्या आएगी एम वन उसके बाद में एल टू है टी आपका कितना हो गया माइनस थ्री और ए कितना हो गया माइनस टू तो यहाँ से रजिस्टेंस की डायमेंशन आप निकाल सकते हो लेकिन वो रेशियो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में अगर यहाँ से जो रेशियो है ये ब्यू नोड अपॉन एप्सिलॉन साइल नोड ये आपका क्या होगा ये आपका रेजिस्टेंस के बराबर होगा क्योंकि अगर आप ब्यू नोड और एप्सिलॉन एंड नोड की पर्टिकुलर डायमेंशन निकाल के फिर डिवाइड करोगे तो वहाँ बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो होगा ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आए हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोट या हाफ एप्साइल नोट ई स्क्वायर इस केस में देखो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है एनर्जी डेंसिटी का यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो ये है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अपन क्या जानते हैं एनर्जी ये लिखा मैंने एनर्जी उसके बाद में पर यूनिट वॉल्यूम अब एनर्जी की डायमेंशन कल भी अपन ने निकाली थी तो एनर्जी की डायमेंशन क्या आएगी ये आएगी आपके पास में एम वन उसके बाद में एल टू टी माइनस टू तो हाफ एम बी स्क्वायर से देखो मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ उसके बाद में वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम अपने मीटर क्यूब में नापते हैं तो ये हो जाएगा एल की पावर तो यहाँ से इसकी डायमेंशन जो है वो क्या आएगी एम वन एल हो जाएगा माइनस वन टी कितना हो जाएगा माइनस टू ये आपकी क्या हो जाएगी डायमेंशन हो जाएगी ठीक तो है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार फॉर्मूले हैं जो अपन को पता होने चाहिए और यहां से अगर स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आता है तो यहां से बनेगा क्वेश्चन और अपन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पता होना चाहिए कि ये किसका फॉर्मूला है क्योंकि अगर पर्टिकुलर लगाने लगोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और अपने पास टाइम की बहुत जो है वो कमी है ठीक है नेक्स्ट अपन चलते हैं एरर के ऊपर तो एरर क्या होती है नॉर्मली अपन जानते हैं कि एरर जो है वो त्रुटि होती है लेकिन एरर में अपन स्पेसिफिकली तीन टाइप के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से आपके एक तो एब्सोल्यूट एरर है एक रिलेटिव हो गई और एक परसेंटेज एरर तो इसको मैंने एक एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल से लेके समझेंगे कि एरर कैसे निकालते हैं उसके बाद में रिलेटिव कैसे निकालते हैं वहां से और परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं तो सिंपल अगर मैं बात करूं तो मान लो अपन ने एक एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास में तीन चार मेजरमेंट है यानी कोई अगर मैं लंबाई नाप रहा हूँ तो मान लो मेरे पास में पांच आपके पास में मेजरमेंट में पांच यूनिट आई तो पहली यूनिट क्या है आपकी जैसे मैंने लिखा दो पॉइंट जीरो वन फिर आपके पास में आ गई टू पॉइंट जीरो टू उसके बाद में आई टू पॉइंट जीरो थ्री उसके बाद आई टू पॉइंट जीरो फोर और एक आ गई टू पॉइंट जीरो फाइव ये पांच आपके पास में मेजरमेंट आ गए नीले सोनी याद करना है क्या सर अभी याद नहीं करना जैसे आपके फॉर्मूले आगे आएंगे तब आपको पता होना चाहिए कि वी नोड अपन एफ साल का फॉर्मूला ये होता है है ना तो वहाँ जब आप वो टॉपिक वापस पढ़ोगे तब आपके माइंड में आना चाहिए कि इसकी डायमेंशन भी पूछी जाती है तो वहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा अब देखो पांच मेजरमेंट है अब एरर कैसे निकालते हैं एरर का मतलब यह है कि कोई आपके पास में एक ट्रू वैल्यू होगी सच वैल्यू है और यह आपकी नापी हुई हुई वैल्यू वैल्यू है यानी मापी तो तो अगर एक मेजर्ड तो वैल्यू हो गई एक आपकी क्या होगी ट्रू वैल्यू हो गई अगर मैं एरर बोलू कि एरर क्या होती है तो हमको यह बताया कि एक तो रियल मान जो होता है उसका उसमें से अगर आप मेजर्ड को माइनस करोगे तो एरर आ जाएगी तो यहां मैंने लिखा एरर के अंदर एक तो हो गई ट्रू वैल्यू और माइनस मैंने क्या लिखा आपकी मेजर्ड वैल्यू यही क्या कहलाएगी आपकी एरर कहलाएगी लेकिन एक चीज मेरे को बताओ कि यहां पर मैंने पांच मेजरमेंट लिखे तो यहां पर ट्रू वैल्यू क्या है ये तो हमको पता ही नहीं तो है तो एक चीज देखो कि यहां पांच मेजरमेंट है तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं इन सबका एवरेज कर दो तो ट्रू वैल्यू आ जाएगी अगर मैं इनका एवरेज करूं तो देखो वन है टू है थ्री है फोर फाइव तो एवरेज कर सकते हो एवरेज करोगे तो आपके पास में क्या आएगी ट्रू वैल्यू इनका बीच की वैल्यू जो आएगी वो आएगी जीरो पॉइंट टू थ्री आपके पास में ये ट्रू वैल्यू आ गई अब अगर मान लो मेरे को एरर पूछी जाए तो इसके लिए एरर कितनी होगी इसके लिए एरर निकाल सकते हो ट्रू वैल्यू आपके पास में ये रही और मेजर्ड वैल्यू कौन सी है ये उसके बाद में अगर दूसरी चीज़ इसके लिए निकालोगे तो ये ट्रू वैल्यू है ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है तो यहाँ से आपको क्या निकालनी है एरर निकालती हो इस एरर को अपन क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं तो अगर मैं फर्स्ट के लिए निकालूं तो देखो फर्स्ट के लिए एरर क्या आएगी डेल्टा एक्स वन से मैंने इसको रिप्रेजेंट करा तो ट्रू वैल्यू आपकी कितनी है ट्रू वैल्यू है टू पॉइंट जीरो थ्री यहाँ से मैंने किसको माइनस करा टू पॉइंट जीरो वन को यानी मेजर्ड वैल्यू को मैंने माइनस कर दिया तो आपके पास में रिजल्ट कितना आया यह आया आपका जीरो पॉइंट ज़ीरो टू आया यह आपकी क्या हो गई एब्सोल्यूट एरर हो गई इसके लिए अब अपने पास में पाँच वैल्यूज़ है तो हम क्या करेंगे डेल्टा एक्स टू अगर मैं निकालता हूँ तो ये आएगा आपके पास में टू पॉइंट ज़ीरो थ्री ये तो आपकी क्या है ट्रू वैल्यू अब मेजर्ड वैल्यू कितनी है टू पॉइंट जीरो तो टू यहाँ से आपके पास में कितना आएगा जीरो पॉइंट जीरो वन इसी तरह से सारे निकालने हैं तो आपके पास में अगर डेल्टा एक्स थ्री निकालोगे तो यह आएगी आपके पास में टू तो पॉइंट जीरो थ्री माइनस टू तो पॉइंट जीरो थ्री तो ये तो जीरो ही आ गई उसके बाद में नेक्स्ट अगर निकालोगे तो डेल्टा एक्स फोर निकालोगे तो ये आएगी आपके माइनस में जीरो पॉइंट जीरो वन और डेल्टा एक्स फाइव निकालोगे तो कितनी आएगी माइनस में जीरो पॉइंट जीरो टू ये हमने क्या निकाली है पर्टिकुलर सबके लिए हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली है अब अगर मेरे को ये पूछा जाए कि इनका मीन बताओ तो इनका मीन कैसे करोगे इन सबका एवरेज करना पड़ेगा तो इनका एवरेज करने के लिए क्या करोगे अगर मैं डेल्टा एक्स लिखूं, डेल्टा एक्स बार तो ये क्या आएगा इसको हम बोलते हैं एप्सल्यूट एरर का मीन यानी मीन एप्सोल्यूट वैल्यू अब ये कैसे निकालोगे तो मीन एप्सोल्यूट वैल्यू मेरे पास पाँच है इन सबका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा जीरो आएगा ना क्योंकि ये देखो इसको जोड़ोगे इन सबको जोड़ोगे तो टोटल कितना आ रहा है जीरो आ रहा है लेकिन इस तरह से नहीं जोड़ा जाता एरर में कैसे जोड़ना है आपको इन सब का मोड लेना डेल्टा एक्स फोर अगर चार वैल्यू है तो ये आपके पास में डिवाइडेड बाई फोर यू करना है इसका मतलब जो भी एरर आ रही है अगर वो पॉजिटिव है और अगर वो नेगेटिव है दोनों ही केस में आपको क्या करना है उनका मोड लेके चलना है तभी आपके पास में क्या आएगी मेन एब्सोल्यूट अदरवाइज तो इसमें एरर कितनी आ रही है जीरो आ रही है पाँचों का सम करोगे तो कितना आएगा जीरो आएगा तो हमको क्या करना है यहाँ से अगर मैं एरर निकालू तो देखू यह आई जीरो पॉइंट जीरो टू प्लस ये आया जीरो पॉइंट जीरो वन प्लस ज़ीरो प्लस अब इसका मोड लो कितना तो आएगा जीरो पॉइंट जीरो वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू डिवाइडेड बाई कितना करना है फाइव से करना है तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो कहलाएगी ठीक है तो इसका खास तौर पर अपन को ध्यान रखना है राहुल हाई सर के कम्बल चले आगे ये आपको समझ में आ गया अब इसी से रिलेटेड ये आपके पास में क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर है इसी से आपकी क्या निकलेगी रिलेटिव एरर निकलेगी और इसी से अपनी परसेंटेज एरर निकलेगी तो करना क्या पड़ेगा अगर मैं रिलेटिव एरर पूछू तो रिलेटिव एरर क्या लिखी जाती है रिलेटिव एरर यानी आपका जो एरर आई है वो आपकी जो ट्रू वैल्यू है उससे कितना चेंज है वो आपके रिलेटिव के लाएगी क्योंकि रिलेटिव का मतलब क्या होता है दो चीजों में रिलेशन के रूप में आनी चाहिए तो हो सकता है कि अगर आपकी वैल्यू बहुत बड़ी है और एरर बहुत छोटी है तो आपकी ये रिलेटिव एरर क्या आएगी बहुत कम आएगी इसका अपन को तौर पे ध्यान रखना है तो देखो अगर रिलेटिव एरर निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा डेल्टा एक्स बार यानी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू अभी अपन ने निकाली है इसमें किसका डिवाइड करना है जो आपकी ट्रू वैल्यू है उसका डिवाइड करना है तो इसको यहाँ से फॉर्मुले में अपन क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं मीन एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाई मैंने क्या करा है आपकी जो ट्रू वैल्यू है जो आपने कितनी थी टू पॉइंट जीरो थी टू पॉइंट जीरो थ्री थी तो ये हो गया आपकी ट्रू वैल्यू ये क्या कहलाएगी आपकी रिलेटिव एरर जो है वो कहलाएगी ठीक है आगे चले उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में क्या है उसके बाद नेक्स्ट आपकी परसेंटेज एरर परसेंटेज एरर क्या है आपकी जो ये है इसका अगर मैं मान लो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको परसेंटेज में जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या कहलाएगी परसेंटेज एर कहलाएगी तो क्या करना है डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाई एक्स इंटू तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपको एक बार जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा ठीक है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं रियल जो वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए कि अगर मेरे को ट्रू वैल्यू निकालनी है तो जितनी मेजरमेंट आपने ले रखे हैं उनका आपको क्या करना है एवरेज निकालना है तो वो एवरेज से आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी वहाँ से आप क्या करोगे मेजर्ड वैल्यू को माइनस करते जाओ और आपके पास में एब्सोल्यूट एरर जो है वो आ जाएगी वहाँ से अपने पास एक एक स्टेप का जो है वो ये काम रहता है ठीक है तो ये एरर का एक रिलेटेड अब देखो एरर का जो सवाल है वो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एरर का क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा लेकिन अब जो आगे अपन पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंदर जैसे मान लो अगर कर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक जो क्वेश्चन है वो आता है कि अगर लेंथ में चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा तो वो हमको यहां से पता चलेगा ये जो वैल्यू आपको पता होगी कि, कि किस तरह से एब्सोल्यूट एरर निकाली जाती है किस तरह से रिलेटिव एरर निकालते हैं तो वो वहां काम आने वाला है वहां से क्वेश्चन आपके पास में फॉर्म होगा लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो यही है ठीक है अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट आपका है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर एरर का कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह से आता है जैसे मान लो अगर दो वैल्यूज आपको दे रखी है दोनों में कुछ ना कुछ एरर होगी तो अगर दोनों का सम कर रहे हो या दोनों को माइनस कर रहे हो तो एरर पे क्या फ़र्क पड़ेगा या एरर जो है वो कितनी होगी तो पहली चीज़ अगर मान लो मैं लिखता हूँ फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपकी एक्स वन है और सेकेंड वैल्यू मान लो एक्स टू है दो वैल्यूज़ मैंने आपको दे दी और मैंने ये बोला कि पहले के अंदर यानी एक्स वन में एरर डेल्टा एक्स वन है और सेकेंड में मेरे पास में कितनी है डेल्टा एक्स टू है तो मैंने ये लिखा इसमें ये तो हो गई इसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू प्लस इसमें एरर कितनी है ये डेल्टा एक्स में इसकी क्या है एरर है नेक्स्ट अपन चले तो एक्स टू के लिए ट्रू वैल्यू एक्स टू हो गई प्लस में एरर कितनी हो गई डेल्टा एक्स टू हो गई ये दो वैल्यूज आपको दे रखी है और आपको ये बोला कि साहब इन दोनों को क्या करके दिखाओ जोड़ के दिखाओ अब जोड़ोगे कैसे क्योंकि इसमें तो एरर भी है पहले वाली में भी एरर है दूसरे वाली में भी एरर है और अगर इनको जोड़ना है तो करना क्या पड़ेगा अगर मैं लिखूं इन दोनों का सम तो मेरे पास आएगा एक्स वन प्लस एक्स टू अब यहां पर देखो आप तो चार वैल्यूज है किस तरह से जोड़ा जाए हो सकता है कि इसमें एरर जो है क्योंकि डेल्टा एक्स वन है तो ये एरर को अपन लिखते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं क्योंकि वो उससे वैल्यू से कम भी हो सकती है और उस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है यहां पर भी मैंने लिखा तो एक्स वन प्लस माइनस दोनों हो सकता है तो अगर मेरे को इन दोनों को जोड़ना है तो यहां का कॉम्बिनेशन देखो प्लस माइनस है यहां का भी प्लस माइनस कॉम्बिनेशन है तो इनको जोड़ने के चार तरीके हो गए ये प्लस हो सकता है ये माइनस हो सकता है ये माइनस ये प्लस दोनों प्लस भी हो सकते हैं और दोनों माइनस भी हो सकते हैं तो उस केस में क्या करना पड़ेगा देखो आपके पास में जब भी दो संख्याओं को जोड़ रहे हो तो आपकी एरर जो है हमेशा क्या होगी उन दोनों एरर्स का सम आएगी क्या करोगे एक्स वन प्लस एक्स टू पर ने करा तो यहां मैंने लिखा एक्स वन प्लस एक्स टू ये तो हो गया आपकी ट्रू वैल्यू ठीक है तो इसको अपन या तो इस बार से शो कर लेते हैं ताकि आपको इसमें और इस डिफरेंस पता लगे तो एक्स वन प्लस का जो एवरेज है, जो सम है वो क्या आएगा ये आया तो एक्स वन प्लस एक्स टू तो हो गया ट्रू वैल्यू यानी डायरेक्ट मैंने जोड़ दिया लेकिन अब एरर में दिक्कत यह है कि इनके चार कॉम्बिनेशन बन रहे हैं प्लस भी हो सकता है माइनस दोनों प्लस दोनों माइनस कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है तो उस केस में क्या करोगे हमको ये ध्यान रखना है कि जब एरर को या तो जोड़ोगे या घटाओगे तो जो एरर्स है पर्टिकुलर एर है वो हमेशा क्या होगी सम आएगी उन दोनों की कैसे आएगी इसका मतलब यहां आपको करना कुछ नहीं है यहाँ पर जो एरर है वो डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू ही होगा हमेशा और ये प्लस माइनस हो सकती है यानी आपकी जो वैल्यू है जो एरर है वो दोनों हमेशा क्या होगी सम होगी चाहे आप प्लस कर रहे हो चाहे आप माइनस कर रहे हो दोनों ही केस में आपको ये जोड़ना है अब जो ये एरर आई है ये एरर जुड़ के आ गई अब ये एरर उस वैल्यू से प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती इस तो इस का पर खास पे है इस तो, तो एक्स वन माइनस एक्स, 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 तो एक्स, एक्स टू ये तो गई आपकी क्या ट्रू वैल्यू में से मैंने माइनस कर दिया कोई भी चीज तो वो तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूं लेकिन इसके बाद में एरर जो है वो हमेशा क्या होगी प्लस ही होगी एक्स वन प्लस एक्स टू ही होगी इसका खास तौर पर ध्यान रखना है क्योंकि जब क्वेश्चन आता है माइनस का यानी ए माइनस बी करो तो हम क्या करते हैं इस संख्या को भी माइनस कर देते हैं और एरर जो होती है उसको भी माइनस कर देते हैं तो वहां पर अपना क्वेश्चन गलत होता है क्योंकि एरर क्या मतलब क्या है कि उस वैल्यू से वो कितना डिफर कर रहा है तो हमको एरर हमेशा जोड़नी है जब भी आप संख्या को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो हमेशा एरर क्या होगी जुड़ेगी तो मैं इसको यही लिख देता हूँ कि आपकी जो एरर है वो हमेशा क्या होगी एड होगी अब वो संख्या से जो अभी आपने डिफरेंस निकाला है प्लस करा उससे प्लस माइनस दोनों हो सकती है ठीक है इसका खास तौर पर को ध्यान रखना है ये तो हो गया प्लस की बात लेकिन हो सकता है कि दो संख्या आपको दे रखी है और उसको मल्टीप्लाई करना हो दोनों में एरर हो सकती है ए में भी बी में भी और उनको मल्टीप्लाई करना हो हो सकता है आपके पास में पावर्स के रूप में आए कि जैसे मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ए की पावर में एन है बी की पावर में एन है ऐसे कुछ आ जाए कॉम्बिनेशन अब इस ए में भी एरर है और बी में भी एरर है तो दोनों ही केस में हमको करना क्या है देखो अब अपन सीखते हैं मल्टीप्लाई के लिए या पावर्स के लिए तो मान लो आपके पास में ये एक्स एक क्वांटिटी है और वो ए के ऊपर एन पावर पर डिपेंड कर रही है और बी पर किस पे कर रही है आपके पास में एम पे कर रही है या माइनस एम पे कर रही है तो इस केस में करना क्या है अगर मेरे को पूछा जाए कि एक्स में एरर कितनी है तो एक्स में एरर अब ऐसे लिखनी पड़ेगी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स अगर मैंने लिखा अब ये प्लस होगी माइनस होगी इसकी पावर कहाँ जाएगी इसका अपन यह ध्यान रखना है कि देखो जो पावर आपके पास में है ये तो मैंने सबसे पहले एरर के लिए लिखा कि एरर तो प्लस माइनस दोनों हो सकती है ट्रू वैल्यू में से प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है लेकिन अब एरर का साथ में क्या होगा तो मैंने देखो ये पावर लिखी तो मैंने लिखा एन सबसे पहले एक की पावर एन है तो इस एन को कहाँ लेके आना है बाहर लेके आ गया उसके बाद में ए में एरर मैंने लिखा डेल्टा ए बाई ए में क्या होगी आपकी रिलेटिव एरर हो गई ठीक है अब यहाँ पर बी की पावर एम है या अगर ये ऊपर जाएगा तो बी की पावर माइनस एम बनेगा तो हम गलती क्या करते हैं माइनस और यहाँ पर एम लिखते हैं जबकि माइनस नहीं होगा एरर हमेशा जुड़ती है तो उस केस में भी ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस एम क्या हो गई पावर बाहर आ गई और उसके बाद में कितना हो गया डेल्टा बी बाई बी यानी बी के अंदर जो आपकी क्या है रिलेटिव एरर है वो लिखी जाएगी ठीक है है तो इसको थ्योरेटिकली अपन को लिख के चलना है कि देखो ये जो फ है इस फॉर्मूले में प्लस माइनस कहां आएगा यहां आएगा यानी ये ट्रू वैल्यू से प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है लेकिन ये हमेशा क्या होगी हमेशा प्लस में आएगी ठीक है इसका अपन को खास तौर पे ध्यान रखना है ठीक है अब अपन इससे रिलेटेड दो है एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो अपना अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास में देखो ये है कि टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर दो टेम्परेचर आपको दे रखे हैं पहला आपका टी वन है दूसरा टी टू है अब देखो दो वैल्यूज मेरे को दे रखी है दो टेम्परेचर दे रखे हैं दोनों में एरर है पहले जो है ये ट्रू वैल्यू है उसकी और ये इसमें एरर है दूसरे आपकी कितनी है फिफ्टी डिग्री और ये इसकी क्या है एरर है तो आपको क्या करना है कैलकुलेट द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड एरर यानी आपको इन दोनों का डिफरेंस जो है वो निकालना है तो एक बार जो अपन ने पढ़ा है उसके बेसिस पर बताएं देखिए क्या आंसर आएगा आपके पास चार ऑप्शन है थर्टी डिग्री है थर्टी डिग्री में प्लस माइनस ज़ीरो डिग्री एरर है ये वाली तो एरर है ये वाला जो पार्ट है वो एरर होता है और ये आपकी क्या है ट्रू वैल्यू है तो देखो क्या आता है बताओ देखिए करना कुछ है नहीं है वही चीज़ जो अपन ने अभी पढ़ी है कि दो जो आपके पास में क्वांटिटीज़ है उनका अगर आपको सम करना है या माइनस करना है उसके इसमें क्या रिजल्ट जो है वो आएगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है देखो अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालू तो डिफरेंस का मतलब डेल्टा टी अब डेल्टा टी में आपको करना क्या है टी टू माइनस टी वन करना है तो लिखा यहां से टी टू माइनस टी वन अब अब यह है कि टी टू माइनस टी वन अगर करना है तो टी टू में भी एरर है और टी वन में भी एरर है दोनों को जब माइनस करोगे तो हमको ये बताया कि जब भी प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो एरर हमेशा जुड़ेगी इस चीज को अपन को ध्यान रखना है कि एरर जो है वो हमेशा क्या होगी जुड़ेगी तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा टी निकालू तो डेल्टा टी कितना आएगा तो ट्रू वैल्यू आपकी कितनी है सबसे पहले मैंने लिखा तो पचास डिग्री माइनस पर कितना आपका तो ट्वेंटी डिग्री लिखा ये तो हो होगी आपकी ट्रू वैल्यू उसके बाद में इस ट्रू वैल्यू में से प्लस माइनस दोनों हो सकता है तो मैंने यहां लिखा प्लस माइनस और एरर जो है वो कितनी आएगी अब एरर मेरे को बताया कि चाहे ये माइनस हो रहे हैं लेकिन और एरर हमेशा जुड़ेगी तो अगर ये जुड़ेगी तो यहाँ कितनी एर है जीरो पॉइंट पाँच यहाँ पर कितनी है जीरो पॉइंट पाँच तो जीरो पॉइंट पाँच डिग्री प्लस में कितना है जीरो पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड तो दोनों जुड़ गई अब रिजल्ट देखो क्या आता है डेल्टा टी बराबर इन दोनों को माइनस करोगे तो यह आया तीस डिग्री प्लस माइनस क्योंकि ट्रू वैल्यू में से प्लस माइनस होगी आगे है जीरो पॉइंट पाँच और जीरो पॉइंट पाँच तो टोटल कितना हो गया वन तो यह आया वन डिग्री सेंटीग्रेड तो ये आपका क्या है आंसर है अब आपको सीधे ही जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन दिखे तो बोले दो संख्याओं को आपको माइनस करना है या प्लस करना है तो एरर को जोड़ दो और संख्याओं को अलग अलग कर लो तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा तो सिंपली यहाँ पर आपका आंसर क्या है थर्टी डिग्री प्लस माइनस आपके पास मैंने तो ये प्लस माइनस वन डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो सही हो जाएगा ठीक है तो फिफ्टी माइनस ट्वेंटी करा तो थर्टी आ गया दोनों एरर को जोड़ा तो कितना आ गया वन डिग्री आ गया तो बिल्कुल बेसिक जो है वो इक्वेशन अब पावर वाला इक्वेशन करते हैं तो पावर वाला इक्वेशन के लिए देखो क्या है एक फिजिकल क्वांटिटी है एक्स जिसको मैंने ऐसे बताया कि एक्स जो है वो ए स्क्वायर क्यू अपॉन में सी अंडर क्या है डी है तो इफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एबीसीडी एबीसीडी के मेजरमेंट के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो दो परसेंट एक परसेंट तीन परसेंट और चार परसेंट है ना तो आपको पूछा गया है कि x के अंदर कितना एरर होगी अब ये पावर वाला सवाल हो गया अब पावर वाले सवाल में आपको बेसिक डायरेक्ट करना क्या है मेरे को बताया कि अगर मेरे को परसेंटेज एरर निकालनी है एक्स में ये निकालना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा कि पावर को बाहर लेके आना है और सारी एरर्स को जोड़ना है दो चीजें ध्यान रखनी है क्या करना पड़ेगा जो पावर है उसको बाहर लेके आओ और उसके बाद में सारी जो एरर्स हैं उनको जोड़ो कैसे करोगे तो अगर मैं यहाँ पर चार अपने पास में एबीसीडी है तो मैं अगर इसको लिखूँ तो दो एक की पावर कितनी है दो तो दो को तो मैं कहाँ लेके आया बाहर लेके आ गया उसके बाद में ये आपके पास वो में वो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू हंड्रेड यानी परसेंटेज के किसमें ठीक है उसके बाद ये आपके पास में पावर कितनी है तीन तो मैंने लिखा डेल्टा बी बाई बी इंटू कितना हंड्रेड अब ये पावर जो है वो सी की पावर कितनी है माइनस वन है लेकिन यहां पर अपन को कि एरर हमेशा जुड़ेगी तो इसको माइनस नहीं लेना इसको प्लस लेना है तो प्लस वन लिखा मैंने और डेल्टा सी बाई कितना कर दिया सी इंटू हंड्रेड कर दिया प्लस में आपके पास में अंडर रूट का मतलब कितने होती है पावर हाफ होनी चाहिए तो मैंने लिखा ये हाफ और यहाँ कितना आ गया डेल्टा डी बाई डी इंटू हंड्रेड अब ये तो अपन को डेल्टा ए बाई ए इंटू सो ये परसेंटेज दे रही होती है और ये अपन को दे रखी कितनी है दो है एक है तीन और चार है तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी है और आंसर आपके पास में आ जाएगा तो क्या आंसर आता है देखो आएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू हंड्रेड यानी ये जो चीज़ आपको परसेंटेज एरर किस में निकालनी है एक्स में तो ये कितनी आएगी ये आपके पास में आएगी दो मल्टीप्लाई बाई डेल्टा ए बाई ए यानी पहले के अंदर एरर कितनी है दो है तो ये मैंने दो लिख दिया उसके बाद में नेक्स्ट अपन चले तो तीन मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा वन उसके बाद में वन मल्टीप्लाई बाई कितना है आपका थ्री है उसके बाद में डेल्टा ये तो कितना है हाफ तो ये हाफ लिखा और डी में कितना है चार परसेंट एर है तो ये मैंने लिखा फोर तो यहां से आया आपके पास में दो दो और तीन पाँच पाँच और तीन कितना हो गया आठ और आठ और चार कितना हो गया बारह परसेंट तो यह आपका आंसर है बारह परसेंट तो ट्वेल्व परसेंट सा आपका डी ऑप्शन है अब इसमें देखो ये तो अपन को समझने में टाइम लगेगा लेकिन फटाफट करोगे तो करना क्या है सीधी पावर लिखी और यहीं से मल्टीप्लाई करो दो और दो को दो से मल्टीप्लाई करा तो चार ठीक है प्लस यहाँ से तीन इंटू एक चार और तीन सात उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करा तो दस और यहाँ पर हाफ और इसको करा तो हाफ को मल्टीप्लाई करा दो दस और दो बारह अब देखो इसमें इतना करने की भी जरूरत नहीं है अगर आप डायरेक्ट लिखते हो तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि मैं ऐसे करूँगा डायरेक्ट कि दो इंटू मैंने क्या करा दो उसके बाद तीन इंटू एक एक इंटू तीन उसके बाद में हाफ इंटू फोर सीधा मन में रखा और सीधा आंसर आपके पास में आ गया ठीक है तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है मेन एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सके ठीक है तो ये अपने पास में एरर से रिलेटेड जो है वो चीज़ अपन ने पढ़ी है ठीक है तो हालांकि अब एरर में अगर आपको प्लस का सवाल है एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो मल्टीप्लीकेशन हो डिवाइडेशन हो या पावर्स के रूप में हो अब उसको अपन क्या कर सकते हैं इजीली सॉल्व कर सकते हैं और विद इन दस से पंद्रह सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा ठीक है अब ये हो गई अपने किसकी बात एरर की बात एरर का सवाल बहुत बार देखा गया है और क्योंकि अलग आगे जो इसके यूजेज है वहां पर अपन को मिलता है तो इंपॉर्टेंट है ही अपने लिए अब वह नेक्स्ट बात करते हैं किसकी सिग्निफिकेंट फिगर की हालांकि ये जो टॉपिक है यहाँ से सवाल कम मिलता है लेकिन अगर मिल जाए हो सकता है अगर सिग्निफिकेंट का सवाल आ जाए तो इजी सा टॉपिक है और बहुत आपके पास में एक नंबर आपको ये मान के चलो कि बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है हम क्या करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं अब मैंने जैसे मान लो इसे बोला कि मान लो मेरे पास कोई एक तार रखा हुआ है तो मैंने इसे बोला कि इस तार की लंबाई लगभग 200 मीटर है तो मैंने क्या बताया लगभग बोला है यानी मैंने अगर कोई चीज़ मेजर करके बताई है तो जरूरी नहीं है कि वो हंड्रेड परसेंट मैं उसके लिए श्योर हूँ है ना उसमें कुछ एरर भी हो सकती है और मैं कहाँ तक श्योर हूँ मैं इतना श्योर हूँ कि लगभग दो के आसपास वो आएगी तो इसका मतलब कोई भी नंबर आपको दे रखा है उसमें ये होना चाहिए कि जैसे मान लो अगर मैं नंबर लिखता हूं टू पॉइंट जीरो थ्री जीरो फोर इसका मतलब अगर मान लो इसमें इतने डिजिट है पांच डिजिट है तो पांचों का शोर होना अगर मैं हंड्रेड परसेंट शोर हूँ कि ये पांच ही डिजिट है तो वो उसके क्या कहलाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएंगे इसका मतलब जिस संख्या तक आप हंड्रेड परसेंट शोर हो किसी उसके लिए नंबर के लिए वो आपकी क्या कहलाएगी सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएगी अब सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होते हैं ये सवाल पूछा जाता है कि कोई भी आपको नंबर दे दिया और इसमें पूछा गया कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो कितने हैं तो सिंपल से आपको पांच सात रूल्स है वो फॉलो करना है वहां से आपके पास फटाफट जो है वो आंसर आ जाएगा तो देखो क्या रूल्स है वो सबसे पहला रूल जो है वो क्या है फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट जितने भी नॉन जीरो आपके पास में डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट ही होते हैं जैसे मान लो अगर मैं एक नंबर लिखूं मैं लिखता हूं टू थ्री फोर एट ये मैंने पहली संख्या लिखी और मैंने बोला कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं तो चारों आपके पास में क्या है नॉन जीरो है है ना तो इसका मतलब इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए चार हो गए तो मैंने लिखा चार सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर्स बिल्कुल बेसिक है उसके बाद में अगर मान लो मैं ऐसी कोई संख्या ले लूँ एटीन ले ली मैंने तो यहाँ पर कितनी होगी दो सिग्निफिकेंट तो पहली चीज तो हमको ये पता चल गई कि जितने भी नॉन जीरो होंगे चाहे वो कहीं कहीं पर भी आ रहे हो उसकी पोजिशन कहीं भी हो उसको अपन को सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या करना है काउंट करना है पहली चीज अब उसके बाद में सेकेंड आपके पास में क्या है कि अगर जीरो आ जाए अब जीरो आगे भी आ सकता है बीच में भी आ सकता है नंबर के और बाद में भी आ सकता है तो तीनों ही केस को अपन को पढ़ना है मेन इंपॉर्टेंट वही है क्योंकि जितने भी नॉन जीरो है वो तो वैसे भी सिग्निफिकेंट है तो वहाँ तो कोई बड़ा रोल नहीं है लेकिन जीरो की पोजीशन जो है वो कहाँ होती है कहाँ वो सिग्निफिकेंट काउंट होगा और कहाँ वो नॉन सिग्निफिकेंट काउंट होगा वो उस पर अपन को ध्यान देना है तो पहला कॉन्सेप्ट देखो ये है कि ओल ज़ीरो अक्रिंग बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इसका मतलब अगर मान लो दो नॉन ज़ीरो आपके पास डिजिट है जैसे मैंने चार ले लिया और एक मान लो आठ ले लिया उनके बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है तो उसको अपन को किस में काउंट करना है सिग्निफिकेंट में काउंट करना है जैसे अगर मान लो इसको हम बोलते हैं ट्रैप्ड जीरो ट्रैप्ड का मतलब दो नॉन ज़ीरो के बीच में वो फंसा हुआ है जैसे अगर मैं लिखता हूँ फोर ज़ीरो फोर देखो फोर आपके पास में नॉन सिग्निफिकेंट है ये भी आपका क्या है सिग्निफिकेंट है और ये जो ज़ीरो आ रहा है ये इन दोनों के बीच में है तो ये किस में काउंट होगा ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगा तो अगर मैं पूछूँ कि फोर जीरो फोर में सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं तीन जो है वो आपके पास में सिग्निफिकेंट डिजिट्स है उसके बाद में अगर मान लो ऐसे ही कोई सवाल हो जैसे मान लो वन जीरो जीरो ज़ीरो और मैं लेता हूँ फोर और उसमें पूछूँगी सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः तो ये आपका उसमें कितने हो गए छः सिग्निफिकेंट डिजिट तो इनको ज़ीरो को क्यों काउंट कराया मैंने क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में ट्रैप्ड किए हुए हैं तो ट्रैप्ड जीरोज़ जो होते हैं वो हमेशा क्या होंगे आपके पास में सिग्निफिकेंट कहलाएंगे तो दो चीज़ें पढ़ी नॉन ज़ीरो तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं उसके बाद में अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में आ रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा सिग्निफिकेंट अब बचता क्या है एक तो आगे आगे का अगर जीरो आपकी संख्या के आगे आ रहा हो और एक हो रहा है पीछे आ रहा हो तो उस केस में क्या करना है उस केस में देखो अगर मान लो आपका इनिशियल जीरो आता है यानी किसी संख्या के पहले जीरो लगे हुए हैं वो हमेशा क्या कहलाएंगे नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे हमेशा सिग्निफिकेंट नहीं होंगे देखो जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूँ जीरो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं ये आपकी संख्या है संख्या के आगे आपके पास में क्या है जीरो यानी ये इनिशियल जीरो हो गए अब इनिशियल जीरो आपके पास में ये है और एक ये है तो ये काउंट होंगे क्या ये काउंट नहीं होंगे क्योंकि इनिशियल जीरोस क्या होते हैं हमेशा सिग्निफिकेंट नहीं होते तो इसका मतलब अगर मैं यहां पूछू कि सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं तो एक तो ये रहा एक ये रहा तो आपके पास में क्या आ गए दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है तो पहली चीज नॉन जीरो वाले सारे होंगे दूसरा ट्रैप्ड जीरो तीसरा आपके अगर इनिशियल आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे अब जैसे मान लो अगर मैं आपको ये पूछूं कि मैंने लिखा 0.0208 और 4, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं संख्या मैंने दे रखी है इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है तो हमको तीन दोनों तीनों पॉइंट्स पता होने चाहिए क्या क्या पता होना चाहिए कि जीरो आगे वाले जो है वो तो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे यानी ये तो नहीं होगा ये भी नहीं होगा उसके बाद में टू जो है वो सिग्निफिकेंट है उसके बाद में जीरो आया उसके बाद में फिर क्या है एट तो ये सिग्निफिकेंट और ये सिग्निफिकेंट तो ये जो बीच में आया आपके पास में ये आपका क्या है ये जो है वो आपका ट्रैप्ड जीरो है यानी दो सिग्निफिकेंट के बीच में ट्रैप किया हुआ है तो ये किस में आएगा सिग्निफिकेंट में आएगा तो इसका मतलब ये है कि यहां अगर सिग्निफिकेंट डिजिट पूछे जाए तो कितने आएंगे आपके पास में चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो ठीक है ये अपना तीसरा पॉइंट था अब इसी से रिलेटेड थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं कि एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल तो अगर इनिशियल जीरो है तो वहां तो कोई कंडीशन है ही नहीं लेकिन अगर आपके पास में एंड में जीरो आ रहा है तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि वो संख्या में डेसिमल है या नहीं है डेसिमल का मतलब आपका अगर मैं लिखता हूं फोर पॉइंट जीरो टू थ्री और जीरो लिखता हूं ये एक संख्या है आपके पास तो मेरे को ये बताया कि देखो अगर सिग्निफिकेंट डिजिट पूछे जाए तो ये तो है ये ये भी है और ये भी है तीन तो हो गए लेकिन एक जीरो ये और एक जीरो ये ये डाउट में है तो ये वाला जीरो क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा होगा क्यों होगा क्योंकि क्यों ये किस में किसके बीच में है दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में यानी ये ट्रैप्ड जीरो है इसका मतलब ये भी होगा लेकिन अब ये जो जीरो आ रहा है ये आपका क्या है एंडिंग जीरो है लास्ट में आ रहा है संख्या के लेकिन आपको ये देखना है कि अगर लास्ट में आ रहा है तो अगर ये डेसिमल के बाद आ रहा है ये जो आपका डेसिमल लगा हुआ है पॉइंट अगर ये इसके बाद है तो आपका ये जो जीरो है वो किस में काउंट होगा सिग्निफिकेंट में काउंट होगा अदरवाइज नहीं होगा तो क्या आ गया यहां पे एक, दो तीन चार और पांच ये अब कितने हो गए पांचों के आपके सिग्निफिकेंट डिजिट तो इसका मतलब ये कंडीशन आपको बता रखनी है कि एंड में अगर जीरो आ रहा है तो एंडिंग जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा जब आपका डेसिमल के बाद आ रहा होगा लेकिन अगर मान लो आपके पास ऐसा हो कि मैं लिखू जीरो पॉइंट टू थ्री तो यहां पर देखो जीरो ये तो इनिशियल है तो इनिशियल वाला काउंट नहीं होगा तो सीधे के आएंगे दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे इसका अपन को खास तौर पर ध्यान रखना है लेकिन अगर मान लो ऐसा जाए मैं आपको बोलूं कि 400 है इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है तो इसमें आपके पास में देखो ये जो जीरो आ रहे हैं दोनों ये किसके बाद में फोर के बाद में तो को है ही नहीं तो अगर यहां को डेसीबल नहीं है तो ये काउंट नहीं होंगे तो इसका मतलब अगर यहां सिग्निफिकेंट डिजिट पूछे जाए तो कितने आएंगे दो आएंगे तो मैंने स्टार्टिंग में ऐसे बोला था कि अगर मैं मेजर कर रहा हूं किसी चीज को किसी लेंथ को मेजर कर रहा हूं तो अगर मैंने ऐसे बोला कि 200 मीटर उसकी लंबाई है तो मैं किस चीज़ के लिए शोर हूँ मैं इसके लिए शोर हूँ कि लगभग दो के आसपास वो संख्या है है ना तो मैंने ऐसे बोला कि 200। अब इस 200 का मतलब क्या है अगर मान लो आपकी संख्या है 201 या 202, तो इन दोनों डिजिट के लिए तो मैं शोर नहीं हूँ कि आगे वाला डिजिट कोई से भी हो सकता है अगर मैं वन भी लिखूँ तो इनके लिए तो श्योर नहीं हूँ लेकिन ये मुझे बताया कि ये वाला जो नंबर आएगा ये कितना आएगा दो आएगा तो सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो कितने आएंगे दो क्योंकि दो सौ के आसपास जो है वो संख्या आ रही है तो यहां सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए दो आपके पास में एक एक है है ना ये जीरो नहीं होगा पर कितना आएगा सिग्निफिकेंट डिजिट है यहां पर भी अगर देखोगे तो ये एक सिग्निफिकेंट डिजिट है ये दोनों जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि अगर ये डेमल के बाद आते तब तो काउंट तो होते अब डेस्टिमल के बाद आए नहीं रहे तो ये काउंट नहीं होंगे ठीक है अब लेक्स लास्ट जो है वो क्या है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट संख्या आपके ऐसी भी आ सकती है जैसे मैं अगर आपको ये बोलूँ कि सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री अब फिजिक्स वाले संख्या को जानते होंगे केमिस्ट्री वाले भी जानते हैं वो गादर नंबर है तो अगर मैं ये पूछू कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं तो कितने आएंगे सबसे पहले ये पावर आ रही है दस की पावर ट्वेंटी थ्री दस की पावर तेईस है तो मेरे को ये बताया बताएगी अगर पावर में कितनी भी संख्या है ये आपके पास में सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होते तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि इसका तो कोई रोल नहीं है अब बचा ये संख्या इस संख्या के लिए तो आराम से निकाल ही सकते हो क्या है ये? ये ये और ये ये तो आपके क्या है नॉन जीरो है तो ये तो सिग्निफिकेंट है और ये जो जीरो है वो कौन सा है ट्रैप्ड जीरो है तो ये सिक्स और टू के बीच में क्या है ट्रैप्ड है तो ये भी किस में काउंट होगा आपका सिग्निफिकेंट में काउंट होगा तो यहाँ आपके पास अगर पूछा जाए तो कितने आएंगे फोर सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो यह आपका क्या है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के चार और पांच आपके पास में आपको रूल्स ध्यान रखना है कि कौन सी चीज होगी तब कहाँ आएगा सिंपल सी बात है कि अगर नॉन जीरो आ रहा है एक से लेकर नौ तक संख्या है तो वो तो काउंट होने वाला है अब जीरो की बात आती है जीरो ही तो कंफ्यूजन वाला है तो जीरो अगर बीच में आ रहा है तो वो काउंट होगा अगर पहले आ रहा है तो नहीं होगा बाद में आ रहा है तो कंडीशन ये कि अगर डेसिमल के बाद हो रहा हो तो होगा अदरवाइज नहीं होगा तो बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखो चीज अपन एक्सप्लेन करिए अब सिग्निफिकेंट डिजिट के जो क्वेश्चन है वो अपन करते हैं देखो सबसे पहले राइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग आपके पास में सात नंबर्स दे रखे हैं और आपको क्या करना है सातों के सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो बताने हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली संख्या से पहली संख्या में बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे जीरो ये आपकी संख्या है और आपको पूछा गया है कि सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो कितने होंगे बताओ देखें इस क्लास की जो पीडीएफ डी वो टेलीग्राम पे मिली जाएगी और एक पीडीएफ और आज आपको मिलेगी उसके बारे में अभी लास्ट में जो है अपन बताएंगे जो डिस्कस है वो करेंगे कि क्या आपको करना है उस पी को लेकर के किस तरह से पढ़ना है तो ये पहली संख्या है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर सिक्स सेवन फाइव थ्री इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो कितने आएंगे देखो हमको ये पता है कि रूल नंबर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ये तो होंगे ही होंगे सारे के सारे अब ये जो ज़ीरो आ रहा है ये कहाँ आ रहा है आगे आ रहे हैं जीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो तो इस नंबर के आगे है तो मेरे को बताया कि जो स्टार्टिंग वाले ज़ीरोज होते हैं वो हमेशा किस में नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं तो यहाँ पर अगर मैं पूछूँ तो कितने आएंगे सीधे से आप लिख सकते हो कि एक दो तीन चार पाँच तो ये फाइव आपके पास में क्या है सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ये पहला आपका आंसर अच्छा है उसके बाद आपके पास सेकेंड जो नंबर है वो क्या है सिक्स सेवन टू नाइन इसमें तो सीधा से दिख रहा है चारों नंबर ही आपके क्या है नॉन जीरो है तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है तो चारों आपके क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे इसमें अगर पूछा जाए तो ये कितने होंगे चारों के चारों आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स है उसके बाद नेक्स्ट आपके पास में जीरो पॉइंट जीरो एट टू फोर अब देखो यहाँ पर एक ज़ीरो जो है वो एंडिंग में भी है और एक ज़ीरो आपके पास में दो ज़ीरो है जो वो स्टार्टिंग में तो इस केस में क्या करना है ये तीन तो एट टू फोर ये तो आपके क्या सिग्निफिकेंट है लेकिन ये वाले ज़ीरोज जो होंगे आगे वाले ये तो नहीं होंगे लेकिन लास्ट वाला जो ये जी ज़ीरो है ये आपका सिग्निफिकेंट होता है या नॉन सिग्निफिकेंट होता है तो हमको बताया कि ये किसके बाद आ रहा है डेसिमल के बाद आ रहा है तो अगर ये डेसिमल के बाद आए लेकिन डेसिमल में यहाँ कितना है जीरो है ठीक है तो ये जीरो पॉइंट कितना है तो कितनी आ जाएगी एक दो तीन चार ये चार आपके क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे उसके बाद अगर मैं लिखता हूं कितनी है एट है तो उस केस में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने आएंगे तो पावर्स तो सिग्निफिकेंट में काउंट होते ही नहीं है बचे आपके पास में कितने तीन संख्या है तीनों क्या है नॉन जीरो है तो आपके पास में कितना आएगा तीन जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे उसके बाद ये संख्या आ रही है तो टू पॉइंट डबल जीरो फोर टू तो टू पॉइंट है और डबल जीरो फोर टू तो हमको ये बताया कि टू और फोर टू ये तो आपके क्या है सिग्निफिकेंट है ये और दो तो ये दो जीरो है ये सिग्निफिकेंट के बीच में ट्रैप्ड किए हुए हैं तो इस केस में कितना आएगा इस केस में आपके पास में ये दोनों भी काउंट होंगे तीन ये है ये तो कितने हो गए टोटल फाइव जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए उसके बाद में फोर पॉइंट टू जीरो तो हमको बताया कि एंडिंग जीरो है लेकिन ये किसके बाद आ रहा है डेसिमल के बाद आ रहा है तो इसका मतलब ये तीनों काउंट होंगे तो ये कितना आएगा उसके बाद में लास्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कितना है कि इसका जो है सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो क्या होंगे तो देखो मेरे को ये बताया है कि थ्री वन तो होगा यानी ये तो कंफर्म हो गया ये कंफर्म है अब बचा अच्छा आपके पास में तीन जीरो ये तीन जीरो डिसाइड होने चाहिए कि ये सिग्निफिकेंट में आएंगे या नॉन सिग्निफिकेंट में आएंगे तो मेरे को ये बताया कि एंडिंग जीरो जो होते हैं अगर वो डेसिमल के बाद आ रहे हैं तो डेसिमल के बाद आ रहे हैं तो ये किस में काउंट होंगे सिग्निफिकेंट में काउंट इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है अब बचा ये जीरो तो मेरे को ये बताया है कि अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में फंसा हो अभी तक तो अपन ये बोल रहे थे कि अगर ज़ीरो दो नॉन जीरो के बीच में हो लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ अगर जीरो आपका दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में हो तो देखो ये जो ज़ीरो है एक तरफ तो ये है ही आपका सिग्निफिकेंट दूसरा ये भी सिग्निफिकेंट हो गया तो अगर ये दोनों सिग्निफिकेंट के बीच में है तो ये भी किस में काउंट होगा आपका ये भी आपका काउंट होगा किस में सिग्निफिकेंट में काउंट होगा तो टोटल तो कितने हो गए आपके पाँच हो गए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे जो आपके पास में रूल्स हैं वो सारे के सारे किस में लगते हैं इसके अंदर लगते हैं तो इसको खास तौर पर अपन को ध्यान रखना है कि देखो थ्री वन तो हो ही गया बचा आपके पास में ये डबल ज़ीरो ये एंडिंग जीरो है एंडिंग जीरो की कंडीशन हमको पता है क्या कंडीशन होगी कि यहाँ पर एंडिंग ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट होंगे जब वो डेस्टिमल के बाद आ रहे होंगे तो डेसीमल के बाद आ रहे तो अगर ये सिग्निफिकेंट है अब बचा ये तो ये वाला कौन सा है ट्रैप्ड जीरो रूल नंबर सेकेंड ट्रैप्ड जीरो वाला तो अगर दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंसा हुआ है जीरो तो वो हमेशा किस में आएगा आपका सिग्निफिकेंट में काउंट होगा तो टोटल कितने हो गए तीन और दो पांच यानी पाँच सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो आपके होंगे ठीक है ये आपके सिग्निफिकेंट डिजिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो लास्ट वाला है इस पर अच्छे तरीके से गौर करें क्योंकि सारे रूल्स जो है वो इसके अंदर अपने काउंट हो जाते हैं अब नेक्स्ट चलते हैं अपन की एडिशन और सब्ट्रेक्शन कि अगर मान लो दो नंबर आपको दे रखे हैं फिजिक्स के अंदर अगर मैथ में दे रखे हैं तो सीधा सा आप जोड़ बाकी कर सकते हो लेकिन फिजिक्स में मेजर्ड वैल्यू होती है अब मेजर्ड वैल्यू में हमको ये पता चला कि अगर मान लो दो वैल्यूज़ मेरे पास में हैं और उनको अगर जोड़ना है तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा उनका क्योंकि अगर मैं फर्स्ट लेटर की बात हुई जैसे मान लो अगर मैं दो वर्ड को जोड़ रहा हूँ दो इसको एक्स वन और एक्स टू को जोड़ रहा हूँ तो एक्स वन को अगर मैंने लिखा है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट हो इसमें भी अलग हो सकते हैं तो जो रिजल्ट आएगा आपका मान लो आपका रिजल्ट एक्स आया तो इस एक्स में किस तरह से इस एक्स को लिखना है उसको अपन डिस्कस करने वाले तो जैसे मान लो एक्स वन और एक्स टू दो क्वांटिटी है उनको अपन ने जोड़ा या माइनस करा तो प्लस और माइनस में आपको क्या ध्यान देना है कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट मस्ट द लीस्ट डेसिमल वैल्यू इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब मैं बताता हूं जैसे मान लो अगर मेरे पास x1 जो है वो फर्स्ट वैल्यू है मेरी 2.50 सही है और अगर मान लो मैं सेकंड वैल्यू ले लेता हूं x2 ये मैंने ले ली मान लो वन पॉइंट और थ्री ये ले ली तो अगर मैं आपको पूछूं कि x1 में सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है तो x1 में देखो टू तो ही है ये फाइव भी है और ये जो जीरो आ रहा है किसके बाद आ रहा है डेसिमल के बाद आ रहा है इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट हो गए तीन हो गए अगर मैं यहां देखूँ तो सिग्निफिकेंट कितने हो गए दो हो गए लेकिन यहां पर अगर मैं एडिशन की बात करूँ अगर इन दोनों को जोड़ना है तो आपको सिग्निफिकेंट की ओर ध्यान ही नहीं देना कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है आप सबसे पहले क्या करो सबसे पहले उन संख्या को अगर जोड़ना है तो जोड़ दो तो मैंने जोड़ा मान लो एक्स वन प्लस एक्स टू करा तो इन दोनों का सम कितना आया ये एट आ गया यहाँ से ज़ीरो आ गया या आया आपका थ्री तो थ्री पॉइंट एट जीरो आया तो क्या थ्री पॉइंट एट जीरो आंसर है तो ये अगर मैथ में देखोगे तो मैथ में तो ये आंसर है लेकिन अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये थ्री पॉइंट एट जीरो आपका आंसर नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमको क्या करना है जब भी आप एडिशन कर रहे हो तो आपका जो एडिशन है जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट में जो डेसिमल के बाद संख्या है वो कितनी होनी चाहिए इन दोनों में से जो मिनिमम हो जैसे मान लो इसमें टू पॉइंट फाइव जीरो दो है डेसिमल के बाद इसमें कितना डेसिमल के बाद सिर्फ एक है तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट के अंदर डेसिमल के बाद एक ही संख्या होनी चाहिए तो अगर मैं यहां लिखूँ तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा थ्री पॉइंट एट यानी आपका आंसर थ्री पॉइंट एट जीरो नहीं है आपका आंसर थ्री पॉइंट एट है तो अगर मान लो यहाँ पर ये यह वन भी होता अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो यहाँ अगर टू पॉइंट फाइव वन होता तो आपका रिजल्ट क्या आता आपका रिजल्ट आता थ्री पॉइंट एट वन तो ऑप्शन में आपको थ्री पॉइंट एट वन भी मिलता और ऑप्शन में आपको थ्री पॉइंट एट भी मिलता तो अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो हमको जो राइट ऑप्शन है वो आपका क्या है थ्री पॉइंट एट है क्योंकि जब भी आप दो चीजों को जोड़ रहे हो तो आपको हंड्रेड परसेंट जो है वो उसके लिए श्योर होना पड़ेगा तो हंड्रेड परसेंट शोर कब होगे जब आपका डिजिट जो है इन दोनों में से पहले देखोगे लिस्ट किसके पास आ रहे हैं पॉइंट डेसिमल के बाद में यहाँ पर तीन है और यहाँ पर कितना है फाइव फन यान दो डिजिट है तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए एक ही होनी चाहिए तो थ्री पॉइंट एट ही आएगा आंसर ठीक अब लेकिन कन्फ्यूजन कब होता है कन्फ्यूजन होता है जब मल्टीप्लाई के लिए देते थे दो संख्याओं को मल्टीप्लाई भी तो करा सकते हैं तो क्या मल्टीप्लाई में सेम कॉन्सेप्ट लगता है मल्टीप्लाई में डिफरेंट लगेगा क्या है वो कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दो संख्या को या डिवाइड कर रहा हूँ तो उस केस में द रिजल्ट ऑफ रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट एज प्रेजेंट इन वैल्यू ऑफ लिस्ट सिग्निफिकेंट मतलब है कि मान लो अगर मेरे पास दो संख्या है x1 और x2 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में पहले तो सबसे पहले तो क्या है आप मल्टीप्लाई करो रिजल्ट आपके पास में आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको यह देखना है कि दो वैल्यूज जो थी एक्स वन और एक्स टू इन दोनों में से लीस्ट आपके पास में सिग्निफिकेंट डिजिट किसके पास में है तो मान लो इसके पास में सिग्निफिकेंट डिजिट तीन ही है तो आपका जो आंसर आ रहा है उसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होने चाहिए तीन ही होने चाहिए इसका खास तौर पर ध्यान रखना है क्योंकि अगर ये तीन है ना तो तीन ही होने चाहिए अगर तीन से ज्यादा आप ले रहे हो तो वो जो वैल्यू है वो आपके हंड्रेड परसेंट उसके लिए श्योर नहीं हो वो गलत आंसर हो जाएगा ठीक है तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि एक्स वन मान लो मेरा दो संख्या ले, ले लेते हैं कोई भी तो मैंने ले लिया मान लो 1.58 इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है आपके तीन तीनों 3 जीरो है तो तीनों आपके क्या हो गए सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए उसके बाद अगर मैं x2 लेता हूँ और x2 मैं कैसे लेता हूं x2 मैंने ले लिया मान लो 0.5 तो 0.5 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए 0.5 में हो गए आपका सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है यह सिग्निफिकेंट फिगर है तो अगर मैं एक्स टू और एक्स वन को मल्टीप्लाई करूं तो इसका रिजल्ट जो है वो क्या आना चाहिए तो इसका रिजल्ट देखो, अगर मैं एक्स वन मल्टीप्लाई अगर मैंने कर दिया तो इसको सिंपली सबसे पहले आप क्या करो मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करोगे कि तो कितना आएगा वन पॉइंट फाइव एट और जीरो पॉइंट फाइव यानी फाइव से मल्टीप्लाई करके एक डॉट लगाएंगे तो यहां से कितना आएगा जीरो फोर यह आया आपका ठीक है तो सेवन पॉइंट तो एक पॉइंट और ये तो जीरो पॉइंट सेवन नाइन आया तो यह आपका आया नाइन यह आंसर आ रहा है जो जीरो पॉइंट सेवन नाइन का डबल आपका वन पॉइंट फाइव एट हो गया अब क्या आपका एक्स वन और एक्स टू का आंसर ये है अगर ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है कि जीरो पॉइंट सेवन नाइन होना चाहिए तो अगर आप जीरो पॉइंट सेवन नाइन करते हो तो गलत है क्यों गलत है क्योंकि पहली संख्या में सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं तीन है तो यहां मैंने लिखा तीन डिजिट है लेकिन दूसरी के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है एक ही है इसका मतलब जो आपका आंसर आ रहा है उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए यानी एक जो पॉइंट है वहां तक अपन श्योर है उसके बाद अपन श्योर नहीं है कि आगे वाला आंसर वेरी भी कर सकता है चेंज हो सकता है तो जहां तक आप हंड्रेड परसेंट श्योर हो वही अपन को लिखना है तो आपको फाइनल आंसर अगर मैं बोलूँ तो फाइनल आंसर क्या आएगा एक्स वन और एक्स टू तो जीरो तो आपका काउंट होता ही नहीं है सिग्निफिकेंट के अंदर नो जीरो में आपका कितना है सेवन तो जीरो पॉइंट सेवन होगा या जीरो पॉइंट एट होगा यह भी कन्फ्यूजन है कि एक डिजिट तक तो लेना है तो मैंने जीरो पॉइंट सेवन लिख दिया लेकिन मैंने ये नीचे लिखा कि जीरो पॉइंट एट हो सकता है इसका आंसर ये क्यों हो सकता है क्योंकि देखो इस नंबर को आपको किस में चेंज करना है एक में चेंज करना है यानी एक सिग्निफिकेंट में करना है तो इसका मतलब यह थोड़ा ना है कि आगे वाले को अपन नेग्लेक्ट कर देंगे ऐसा थोड़ा ना होता है कि अगर जीरो पॉइंट सेवन नाइन है और अगर जीरो पॉइंट सेवन वन है तो वो दोनों डिफरेंट होते हैं तो ये कहाँ सीखते हैं अपन राउंड ऑफ करना सीखते हैं है ना तो राउंड ऑफ में क्या होगा आपको इसको एक सिग्निफिकेंट डिजिट तक लाना है लेकिन राउंड ऑफ करके लाना अब कर रही है राउंड ऑफ करिए पता है कि अगर अगली संख्या पाँच से बड़ी हो तो इसको आपको एक से बढ़ा देना है अगर पाँच से कम हो तो कर देना अगर पाँच हो तो उस केस में कौन से रूल्स होते हैं वो उनको फॉलो करना है तो देखो यहाँ पर अगर जीरो पॉइंट सेवन नाइन है तो ऐसा नहीं है कि आंसर देगा जीरो पॉइंट सेवन और टिक कर दिया फटाफट कि जीरो पॉइंट सेवन तो अपना आंसर सही हो गया क्योंकि मेरे को क्या करना था मल्टीप्लाई करना था मल्टीप्लाई करने के बाद में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वहाँ तक आना था तो लीस्ट मेरे को दिखा एक और मैंने लगा दिया एक जीरो पॉइंट सात तो ये गलत हो जाएगा जीरो पॉइंट सात ध्यान के देना का देना कि जीरो पॉइंट सेवन नाइन है ज़ीरो पॉइंट सेवन नाइन का मतलब अगर इसको अगर अपन एक डिजिट में करें तो ये कितना आएगा ज़ीरो पॉइंट एट आएगा क्यों आएगा क्योंकि ये जो नेक्स्ट संख्या आ रही है आपकी वो कितनी आ रही है पाँच से बड़ी आ रही है अगर ये पाँच से छोटी होती तो आपका आंसर कितना होता जीरो पॉइंट सेवन होता लेकिन एग्जामिनर चाहता है यही है कि हम गलती करें तो वो गलती कहाँ होती है यहीं होती है फटाफट हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं हमको कॉन्सेप्ट बताया कि मल्टीप्लाई के अंदर क्या होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देखना है तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मैंने देखा तो मेरे को पता चला कि एक ही लाना है जीरो तो पॉइंट सेवन आंसर कर दिया और आंसर आपका क्या हो गया गलत हो गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसको वन में कर रहे हो तो आप राउंड ऑफ करके इसको चेंज करें ठीक है अब मल्टीप्लाई का हो गया आपका और आपका किसका हो गया एडिशन का भी हो गया अब लास्ट चीज आज आपको क्या करनी है देखो कल अपनी जो है वो यूनिटो डायमेंशन की मैराथन क्लास रहेगी अब हमने हंड्रेड परसेंट जो है उसको कर लिया कि जैसे मान लो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अपने सीख लिया टू डायमेंशन के इम्पोर्टेंट यहीं से है सवाल जो है वो एक जो बनेगा वो यहीं से बनेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट ने कल जो पढ़े थे कॉन्सेप्ट वहाँ से बनने के ज़्यादा चांसेस है आज वाला एरर का भी सवाल आ सकता है तो बहुत ईजी है कोई डरने वाली बात नहीं है तो एक नंबर अपना कन्फर्म है लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको करनी पड़ेगी वो क्या करनी पड़ेगी कि इस के साथ में अगर ये जो पी है ये तो आपको मिलेगी इसके साथ में एक पीडीएफ आज आपको और मिलेगी वो पीडीएफ क्या होगी उस पीडीएफ के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं देखो कि एक पीडीएफ आपको देंगे जिसमें सारे जो फॉर्मूले हैं अपने फिजिक्स के जो इलेवेंथ और ट्वेल्थ में या अपने काम आने वाले जो फॉर्मूले वो सारे होंगे अब उस पी को आपको क्या करना है सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के डाउनलोड करना है डाउनलोड आपने कर लिया आपके पास में लगभग सौ एक के आसपास उसमें फॉर्मूले होंगे उन फॉर्मूलों को याद नहीं करना है ऐसा मत करने लग जाना कि सारे फॉर्मूला की लिस्ट बना ली और याद करने बैठ गए याद नहीं करना वो याद ऑटोमेटिक हो जाएंगे जब अपन आगे की टॉपिक्स जो है वो पढ़ रहे होंगे क्योंकि उसको समझ करके जब याद करोगे तो याद करने का मतलब वो जरूरत ही नहीं है तो याद नहीं करना है आपको करना क्या है एक बार उसको जस्ट आपने देखा तो सारे फॉर्मूला आपने देख लिए एक बार और देखने के साथ में आपने सबकी जो डायमेंशन है फॉर्मूला देख लो और फॉर्मूला देख करके उसकी डायमेंशन निकालो जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ कि दूसरा तीसरा फॉर्मूला है आपका मान लो प्रेशर का है सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया मैंने मान लो प्रेशर अब प्रेशर मान लो अपन को अभी पता भी नहीं है कि प्रेशर क्या होता है लेकिन उसके आगे अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि प्रेशर एफ बाई ए होता है क्योंकि ये ये जो चीज है ये तो आगे पढ़ ही लोगे एफ बाई ए तो यहां तक आप एक बार देख सकते हो उसके अंदर इसके आगे आपको सॉल्व करना है क्या करोगे फोर्स की डायमेंशन अपन को पता है तो मैंने लिखी एम वन एल वन और टी माइनस टू बराबर एमए होता है तो मास का लिखा मैंने वन एक्सेलरेशन का मैंने लिखा एल वन और टी माइनस टू नीचे एरिया है तो मुझे बताया गया एरिया की कितनी होती है एल टू होती है तो ये काम हमको करना है क्या करोगे प्रेशर के लिए डायमेंशन लिखनी है तो प्रेशर की डायमेंशन लिख दी एम वन एल कितनी होगी माइनस वन और टी कितनी होगी माइनस टू ये काम करना है तो जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मुल को सिर्फ देखना है देख करके अपनी कॉपी के अंदर क्या लिखनी है उसकी डायमेंशन लिखनी है जैसे प्रेशर हो गया स्ट्रेस हो गया आपके पास में जितने भी क्वांटिटीज है है ना ग्रेविटी के सवाल हो गए तो जितने भी फॉर्मूले हैं अभी अपन को नहीं आते लेकिन जब अपन आगे चल रहे होंगे तो सारे अपन को पढ़ने हैं तो फॉर्मूले तो आ जाएंगे उसको याद करने की रटने की भी जरूरत नहीं है अभी सिर्फ क्या करना है उस फॉर्मूले को देखा देखने के बाद में उसकी डायमेंशन लिख दी और अगर आप सारे डायमेंशन लिख पा रहे हो तो आप हंड्रेड परसेंट श्योर मान के चलो कि अगर ये डायमेंशन लिखना प्लस डायमेंशन के चार पांच कॉन्सेप्ट जो अपन ने कल पढ़े थे वो अगर आपने कर लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा आपका जो एक नंबर है वो तो पच्चीस में से क्या हो जाएगा कन्फर्म हो जाएगा तो इसका अपन को खास तौर पर ध्यान रखना है ठीक है इसकी जो पी डी एफ है वो आपको कहाँ मिलेगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो कल अपनी जो है वो यूनिट और डायमेंशन की मैराथन क्लास रहेगी तो कल मिलते हैं अपन अपने मैराथन क्लास में जहां अपन सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो इसके कर रहे होंगे तब तक के लिए टाटा बब एस सी यू जय हिंद जय जाए भारत